हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपसे क्लास पर। मैं हूं अपसे गुप्ता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का। हेलो एरिन, बता। हेलो एरिन, ठीक है। क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जो सेकंड जो पेपर है होता है, अब तो सब पूरा एक ही पेपर होता है, बट सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का बोल सकते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा, ठीक। उसका हम ठीक है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो एरिन तथा हेलो एरिन, ठीक है। जो बच्चे नए हो चाहे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, पुराने हो लाइक कर दें, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस एकदम अगर आप अच्छे से पढ़ते हो थोड़ा, ठीक है, तो बहुत अच्छे एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो समझने के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है चैप्टर। तो हेलो एरिन, हेलो एरिन को समझेंगे हम लोग, ठीक है। एक एक स्टेप को समझेंगे, हेलो एरिन होता क्या है और हेलो एरिन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन, ठीक है, तो हेलो एल्केन को तीन पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हेलो, ठीक है, एक तो हेलो प्लस एल और प्लस एन, ठीक है। तो पहले हेलो एल्केन समझेंगे, उसके बाद हेलो एल्केन समझेंगे, ठीक है। तो हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, Cl Br I F, ठीक है। तो ये Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो, I मतलब हाइड्रो, F मतलब क्लोरो, ये सब क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, समझाया बात को, ठीक है। L मतलब होता है कार्बन, L मतलब क्या होता है कार्बन यानी कि C, L मतलब क्या होता है कार्बन, कार्बन मतलब C, इसको हिंदी में लिख सकते हैं इसलिए लिखो कार्बन। N मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, N मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन कार्बन जिनमें एकल बंध हो वो क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हेलो एल्केन, क्या कहलाते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसको समझेंगे, जैसे मान लो ये समझिए हेलो मतलब क्या, अभी हेलो एल्केन की परिभाषा हम ये देने वाले हैं और अच्छे से समझती, पर इसको मतलब समझ लो, हेलो का मतलब क्या है हैलोजन, हेलो का मतलब हैलोजन, एल मतलब कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, ये इस तरह समझिए। अब देखो जिस अब आपको पता होगा, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, क्या होगा हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब इसी से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट सकते हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो वो क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इतनी बात समझ आ रही है। अब जैसे CH4 है, क्या है CH4, ये क्या है हाइड्रोकार्बन है, क्या है हाइड्रोकार्बन, देखो इसमें एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन है, क्या है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख सकते हैं, ये इमेजिन का फार्मूला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हेलो एल्केन की परिभाषा देने वाले हैं ना, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन है हमारा, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है हाइड्रोजन और कार्बन। तो जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के और हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब Cl को जोड़ देते हैं या Br को या I को या F को, तो बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन, क्या बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। यानी अब इस हाइड्रोजन आए इसमें भी क्या जोड़ देंगे Cl या Br कुछ भी जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन, या जितने हाइड्रोजन हटाएंगे उतने क्या जोड़ेंगे उतने हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, जितने हाइड्रोजन हटाएंगे उतने हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो बन जाएगा हेलो एल्केन, क्या बन जाएगा हेलो एल्केन। तो परिभाषा इसकी क्या होगी कि हाइड्रोकार्बन में,
कि हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक में, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के और हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलो एल्केन। इतना समझ में आया? अब हेलो एल्केन क्या होता है इसको भी हेलो एल्केन को आप कंपेयर कर लेंगे। हेलो प्लस एरीन, हेलो प्लस एरीन, ठीक है। तो हेलो का मतलब क्या होता है? भाई हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और एरीन का मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिसमें, ठीक है, हाइड्रोजन हो और बेंजीन में हो, जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन में थोड़ा बेंजीन वाले यौगिक, जैसे बेंजीन ही मान लो है, ठीक है, ये बेंजीन है मान लो, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये बेंजीन, बेंजीन का कितने कार्बन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, ठीक है। तो 6 कार्बन में होते हैं। अब ये और 6 कार्बन बेंजीन का मतलब होता है C6H6। अब इस पे कार्बन दिखाई नहीं पड़ेगा ना, C6H6 से बेंजीन का ही फार्मूला, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन को हटा के और क्या जोड़ देते हैं? Cl को जोड़ देते हैं, यानी हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं इस बेंजीन में। इस बेंजीन के रिंग में होते हैं देखो कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन हटा के अगर वो ये हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो बन जाता है हेलोएरेन। क्या बन जाता है? हेलोएरेन। यानी कि जब बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा के और क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। क्या बन जाता है? हेलोएरेन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलोएरेन, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रवाह का हम नोट्स पे लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बनों के वे हाइड्रोजन विकर्ण जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। देखो जो हेलो एल्केन है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं और जो हेलो एरीन है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं, एरोमेटिक बेंजीन वाले, ठीक है। और एलिफेटिक मतलब खुली श्रृंखला होती है, ठीक है, उसमें खुले होते हैं, ठीक है, साधारण। तो हाइड्रोकार्बन के वे हाइड्रोजन विकर्ण जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं, जैसे CH3Cl इसका मतलब मेथिल क्लोराइड, C2H5Br यानी कि ब्रोमो एथेन इसको बोल सकते हैं, या एथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है? हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन की परिभाषा लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। अब हेलो की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन की परिभाषा देखेंगे हम लोग। हेलो एल्केन की हाइड्रोकार्बनों के वे हाइड्रोजन विकर्ण जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है? हेलो एल्केन है। ये परिभाषा आप लोग नोट्स में बना सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बनों के वे हाइड्रोजन विकर्ण जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आदि, ठीक है। तो जो बच्चे नए हो चाहे सब्सक्राइब करते हैं वीडियो से करते हैं और आज स्टार्टिंग कर दिए इस चैप्टर की, अगला वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है।